एक ब्राह्मण उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें अपने खेत में एक नेवले का बच्चा मिला। उसकी बुरी हालत देखकर वे दोनों उस नेवले के बच्चे को अपने घर ले आए। अच्छे से पालन पोषण के कारण वह नेवले का बच्चा बड़ा हो गया और उनके घर में पालतू जानवर बनकर रहने लगा। बड़े दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक शिशु ने जन्म लिया। नेवला हमेशा उस शिशु के पास जाकर सो जाता था और उसके आसपास खेला करता था, परंतु ब्राह्मण की पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी कि वही नेवले उनके बच्चे को काट न ले। एक दिन ब्राह्मण काम पर गया था और उसकी पत्नी बच्चे को पालने में छोड़कर पास के कुएं से पानी लेने गई। नेवला तब वहां बच्चे के साथ सोया था। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और सांप को मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, उसने सबसे पहले नेवले को देखा। नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है और उसने तुरंत उसे लाठी से पीट पीट कर मार डाला। उसे मारने के बाद वह तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए भागी। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा हंसते हुए अपने पालने में खेल रहा था और पास में एक सांप मरा हुआ था। तब ब्राह्मण की पत्नी को एहसास हुआ और नेवले की याद में रोने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बिना किसी चीज को अपनी आंखों से देखे भरोसा न करें।